यूपी सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला फरुखाबाद के मंझा गांव की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को अपना शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना मिलने पर डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची तो पहले से घात लगाए बदमाशों ने पुलिस की टीम पर लाठी डंडों के साथ हमला बोल दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने हमले की सूचना थाने को दी। वहीं सूचना पर अधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सूचना थी, सूचना पर गए, वहां मौके पर देखा तो प्रतिवादी ने मड़ैया गिरा रखी थी, उसमें बच्चे भी लेटे थे। हाँ। उसको बुलाया गया तो सब ट्रैक्टर में भर रहे थे दूसरी जगह। हाँ। मुख बस वो आया हुआ करके पुलिस बदतमीजी करने लगा पुलिस से। आपसे? हाँ, तीनों लोगों से बदतमीजी करने लगा। इसके बाद उसने जो हमने कहा कि चलो थाने तुम भी चलो, वो भी चले अगर तुम्हें नहीं और क्या करना। बस इसके बाद उसने जो है बड़ा सर पे टोपी ना वो नहीं, फिर उसने जो है छुड़ाने की बात कही तो हमने कहा थाने चलो। इस पे वो चार पांच भाई इकट्ठा थे, उन्होंने कहा मार सालों को, सौ नंबर वालों को लाठी, उस पर लाठी तुरंत लिए बस पीछे से मार लिए। समझ नहीं पाए, बस इतनी बात। थाना अमृतपुर क्षेत्र अंतर्गत करनपुर गांव में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी, उस पर डायल 100 को सूचना के आधार पर पीआरवी गई थी। दो पक्षों में आपस में मारपीट हो रही थी, बीच बचाव करने पर एक पुलिसकर्मी को भी चोट आई है, तो उसकी तरफ से मुकदमा कायम करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जब पुलिस वाले ही बदमाशों का शिकार हो जाएंगे तो आम जन की रक्षा कौन करेगा। फिलहाल पीड़ित पुलिसकर्मी के तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।